हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेन कुमार। मेरा नाम कीर्ति वर्मा है और हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमने अल्फा हेलिक्स वाली स्ट्रक्चर देख ली है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही हमारा ए टाइप था अल्फा हेलिक्स, अब हम बी टाइप पढ़ रहे हैं, बीटा प्लीटेड शीट। अब ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो पहले तो लिख लो इसमें क्या होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें क्या होगा, आपकी जो सीरीज है आपने देखा वो तो ऐसे राउंड राउंड था, ठीक है, मतलब स्फेरिकल फॉर्म में था, खुला हुआ। इसे थोड़ा सा खींच दो, ऐसे हल्का से स्ट्रेच कर दो, तो यानी कि स्ट्रेचिंग से जो बनेगा आपको होगा बीटा प्लेटेड शीट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड, तो आपका होगा अमीनो एसिड किससे जुड़े हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, और पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड आइदर इन सेम पेप्टाइड चेन और इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सेम पेप्टाइड चेन। देखो, अगर वो बोल रहे हैं कि डिफरेंट पेप्टाइड चेन है, एक पेप्टाइड चेन हो गई आपकी, ठीक है, दूसरी पेप्टाइड चेन हो गई, ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और अगर आपके सेम आपकी क्या है पेप्टाइड चेन सेम है, ठीक है, एक ही पेप्टाइड चेन है, तो उसके दो टर्मिनल तो होंगे, डिफरेंट सेक्शन तो होंगे, तो उनके बीच बॉन्डिंग होगी, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू पेप्टाइड चेन पेप्टाइड बॉन्ड आइदर इन different peptide chain or in different sections of same peptide chain, ठीक है, ये होगा। So क्या हो सकता है कि peptide groups क्या होंगे, ये peptide chain कैसे होगी, peptide chain और group भी लिख सकते हो आप, और groups अटैच ये लिखो। सो पेप्टाइड चैन और ग्रुप्स अटैच्ड इन zigzag फॉर्म, मतलब रैंडमली कहीं भी zigzag, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, zigzag फॉर्म, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये होता कैसे, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, सी और वो आप लाइन लिख सकते हो, चाहे तो सी और एन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सी ओ ग्रुप और एन एच ग्रुप के बीच में बॉन्ड बन रहा है, देख लो एक बार कैसे बन रहा है, ठीक है, एक लाइन और रखो पहले यहाँ पे, बीटा प्लेटेड शीट मे बी ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी हो सकती है, ये हो सकता है आपका पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, और बी हो सकता है आपका एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। अब बीटा प्लेटेड शीट भी दो तरह से हो सकती है, पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट और एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई हमारे पास पेप्टाइड चैन है उसमें एन टर्मिनल्स भी होगा और सी टर्मिनल्स भी होगा। मैंने आपको बताया बॉन्ड तो सी और एन के बीच में बनता है, सी ओ ग्रुप और एन एच के बीच में, ठीक है। ये एच वाला इधर लेके ऐसे एच और ओ के बीच में होता है ना बॉन्डिंग, ऐसे, ठीक है। तो जब इनके बीच में बॉन्डिंग होती है तो जब क्या होगा, अगर एन और जो आपका सी है जिसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है वो सेम डायरेक्शन में लाई करते हैं तो हम बोलते हैं पैरेलल बीटा स्प्लिट शीट, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं तो हम बोलते हैं एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। तो बीटा प्लेटेड शीट भी दो तरह से हो सकती है, हम उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। बीटा पैरेलल और एंटी पैरेलल में मैं आपको बीटा प्लेटेड शीट ही बना के दिखा रही हूँ, स्ट्रक्चर देखिए कैसे होती है। थोड़ा नीचे से कर लेती हूँ, ठीक है, और बना लीजिए, ठीक है, ऐसे इधर से बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप एन लिखो, मैंने मेरा रफ नहीं हो सकता, आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको सुटेबल लगे स्ट्रक्चर वैसे ड्रॉ करिए, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ऐसे ही ड्रॉ किया है तो आप भी ऐसे ही करो। अब क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन है यहाँ पे होगा, इसका जो, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो पहले, इसका जो बॉन्ड है ओ और इसका जो है हाइड्रोजन, यहाँ इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक है, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। इसका जो एच है और इसका डबल बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक है, इनको पूरा कर लो, इनको आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको छोड़ के, इसको भी छोड़ के, यहाँ पर बॉन्डिंग होगी आपकी, इस यहाँ पे इसके नीचे आ रहा है ये, इसके नीचे ये है, नहीं यहाँ नहीं होगी, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ होगी, ठीक है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होगी, ठीक है। ये है आपका बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर, बीटा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका इसका सी, इसके वो, इसका इसके सी ओ के बीच में बॉन्डिंग है हाइड्रोजन, एन एच से एन एच की बॉन्डिंग, इधर सी ओ की, इधर एन एच की, ये दिखाना चाह रहे हैं। देखो एक बार सी ओ इसका था, एन एच सी ओ, सी ओ एन एच, एन एच सी ओ, ये वाला बॉन्डिंग होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्डिंग होगा इसमें, ठीक है, बिल्कुल। ये आपका बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है, की स्ट्रक्चर, प्रोटीन की बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है आपकी। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सेम आपका वही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सी ओ ग्रुप और एन एच के बीच में होगी। दूसरा इसमें क्या है, ये सेम पेप्टाइड चेन में बन सकते हैं, डिफरेंट टर्मिनल्स पे बॉन्डिंग हो सकती है, और डिफरेंट पेप्टाइड चेन है तो उसमें भी हो सकती है, क्योंकि उसमें तो होगी ही, क्योंकि ग्रुप से डिफरेंट हो जाएंगे, और इसी वजह से क्या होगा, आपका जो पेप्टाइड चेन या ग्रुप है वो अटैच होगा जिगजैग फॉर्म में। और बीटा प्लेटेड शीट दो तरह से हो सकती है, पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट और एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। मैंने आपको ये जो बनाया है ये पैरेलल का एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है आपको, सिर्फ इसको ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत भी नहीं है, आप बस इतना जान लीजिए, अगर दोनों टर्मिनल्स यानी कि सी और जो एन है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं पैरेलल, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उसे बोलते हैं एंटी पैरेलल। मैं लिखवा देती हूँ नोट करके, ऐसा करके वो लिखवा देती हूँ, आप ये वाला डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर मैं वो लिखवा ही देती हूँ। चलिए इसी में लिख लीजिए, ए पार्ट डाल के इसी में नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, लिखवा देती हूँ पैरेलल और एंटी पैरेलल, अगर आपसे पूछा जाए तो डिफरेंस बता सको आप, ठीक है, लिखिए।
ये है आपका पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। ये कब होगा? व्हेन सी एंड एन टर्मिनल्स ऑफ पेप्टाइड चैन lie in same direction, ठीक है। जब आपका क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन वाला जो टर्मिनल्स है पेप्टाइड चैन का, कार्बन सिरा और नाइट्रोजन सिरा क्या होगा, लाई करेगा सेम डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे बीटा पैरेलल, और बी हो जाएगा आपका एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट। इसमें क्या होगा, व्हेन सी एंड एन टर्मिनल्स ऑफ पेप्टाइड चैन, या पेप्टाइड सेगमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, पेप्टाइड चैन लाई इन अल्टरनेटिवली सेम डायरेक्शन, अल्टरनेटिवली का मतलब है एक बार सेम एक बार डिफरेंट, एक बार सेम एक बार डिफरेंट, ऐसे होगा, ये सेम ही होगा, ठीक है, लाई इन अल्टरनेटिवली सेम डायरेक्शन, तो हम वहाँ बोलेंगे उसे कि वो क्या है आपका एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रीट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपकी पैरेलल की है बेसिकली, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे टर्स्टी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर टर्स्टी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टर्स्टी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको रफ कर देती हूँ, टर्स्टी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्स्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, थर्ड आपकी स्ट्रक्चर है टर्स्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, रूम में बहुत सारा थ्रेड ऐसे हमने फेंका हुआ इधर उधर इधर उधर, ठीक है, बहुत सारा स्पेस घेरेगा, हमने उसका ऐसे सुलझा के रखा, राउंड राउंड बना के, या ऐसे भी करके आप बॉल भी बनाओगे, ऐसे लपेट दो, गुच्छा सा बन जाएगा, गुच्छा बेसिक बन जाएगा, लेकिन छोटा स्पेस में आ जाएगा, छोटे स्पेस में आ जाएगा। तो वही चीज़ है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखी तो वहाँ पर उसका एक लाइन में था, चैन की फॉर्म में था आपका प्रोटीन। जैसे ही आपका एक और प्रोटीन आके, या दो तीन और जैसे ही आपके ऐड होते गए प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो एक दूसरे में लपेटा खाते गए, सेकेंडरी फॉर्म बन गई। सेकेंडरी में और आपने और ज़्यादा प्राइमरी सेकेंडरी और भी ज़्यादा आपने मिलाया, तो बिल्कुल ऐसे यूँ बिल्कुल ऐसे बन गया थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट हो गया, तो क्या हो गया, ये छोटा हो गया, यानी कि जो आपकी टर्स्टी स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल है बेंडिंग और ट्विस्टिंग के लिए। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड ड्यू टू दिस मतलब इस बेंडिंग और ट्विस्टिंग की वजह से, ड्यू टू दिस आ लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल कैन बी adjust in a
इन अ टाइनी स्पेस, छोटे टिनी स्पेस ऑफ ऑल टिनी स्पेस इन सेल. सेल तो बहुत छोटी होती है और ये सेल के स्पेस में आ सकते हैं. क्यों आ सकते हैं? क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर की वजह से. जैसे आए आपके और ज़्यादा उसमें घुचड़ पुचड़ हुई, यानी कि छोटे हो गए, लपेटे खा के बिल्कुल पिद्दू ऐसे यूँ उलझ उलझ के छोटे से हो गए, राउंड राउंड बन के. ठीक है, पहले सीधे थे और लपेटा खाया ऐसे और खाया बिल्कुल ऐसे छोटे हो गए. तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंडिंग एंड ट्विस्टिंग, यानी कि बैंड हो रहे हैं तभी तो हुए हैं छोटे, ऐसे तो हो ही नहीं सकते. ट्विस्टिंग भी हो सकती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, और इसी वजह से क्या होगा, एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल भी क्या एडजस्ट कर सकता है, एक टिनी स्पेस में सेल कितना, सेल का कितना स्पेस होगा उसमें भी एडजस्ट कर सकता है इसी की वजह से. किसकी वजह से? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की वजह से. ठीक है, लिख सकते हो देयर आर फॉलोइंग फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर आर फॉलोइंग फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे आप. देयर आर फॉलोइंग फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब कौन कौन से फोर्सेज हैं जिनकी वजह से क्या होता है, बैंडिंग और ट्विस्टिंग कर पाते हैं? तो नंबर वन आपका जो फोर्स है, ए फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. अब इतनी हमने दो स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही देखी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, किस किस के बीच में होती है? इट इज़ लाई बिटवीन CO ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड NH ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड. आपने अभी देखा है, ठीक है, अनदर अमीनो एसिड. अभी क्या किया था, एक अमीनो एसिड का CO ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के NH ग्रुप से बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो इट इज़ लाई बिटवीन CO ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड NH ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो वहाँ होता है. दूसरा जो फोर्स है वो क्या है आपका, आयोनिक बॉन्ड. अब ये क्या होता है, ये भी प्रेजेंट होता है आपका अमीनो एसिड में. हाइड्रोजन बॉन्ड तो कहाँ प्रेजेंट होता है, कोई पूछे हाइड्रोजन बॉन्ड अमीनो एसिड में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो अमीनो एसिड में जो CO ग्रुप है उसके और NH ग्रुप के बीच में. ठीक है, और अगर कोई पूछे कि आयनिक बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको पढ़ाया हुआ है, ज्यूटर आयन इफेक्ट याद करिए, ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर याद कीजिए, वहाँ पर आपने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड बना था ना, प्लस और माइनस. तो आप यहाँ लिख सकते हो इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जीटर आयन फॉर्मेशन. ठीक है, और आपका एक आता है सी टाइप, वो होता है आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड. ठीक है, ये किसके बीच में हम करेगा ये तो नहीं पता हमें, है ना. तो ज़रा याद करिए, आप भूल गए अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते पढ़ते ही, उसमें एक मतलब N और C ग्रुप के बारे में पढ़ते पढ़ते आप भूल गए अमीनो एसिड क्या था, ये था आपका अमीनो एसिड. अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मतलब मैंने तो आपको एक ही एग्जांपल लिया अल्फा अमीनो एसिड का. ठीक है, बेसिक जनरल एग्जांपल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड जिसमें आपका COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है और NH2 ग्रुप भी है, लेकिन आप ये तो इनकी तो बात करे जा रहे हो, इनकी वजह से ही तो ज्यूटर आयन यानी कि आयनिक बॉन्ड है, इन्हीं की वजह से आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. बट इस वाले ग्रुप का क्या,
एल्काइल ग्रुप, आर को हम क्या करते हैं जनरली, आर किसके लिए यूज़ किया जाता है, एल्काइल ग्रुप के लिए। तो एल्काइल ग्रुप की वजह से भी तो बॉन्डिंग होगी ना कुछ, तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड किसके लिए हैं, तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सो इट विल एग्जिस्ट बिटवीन एल्काइल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स के पास जो एल्काइल ग्रुप है उनके बीच में एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ठीक है, दूसरा अब हमारे पास आता है, क्या आता है आपका, डी आता है आपका डाई सल्फाइड बॉन्ड। अभी आपको जस्ट जब मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ाया था जस्ट तभी बताया है कि डाई सल्फाइड जो बॉन्ड है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पेप्टाइड चैन है, दो अमीनो एसिड्स हैं वो तो जुड़ते हैं पेप्टाइड चैन से, लेकिन पेप्टाइड चैन भी तो किसी के थ्रू जुड़ती है, अमीनो एसिड तो जुड़े, अमीनो एसिड हैं ये बॉन्ड मान लो, ठीक है, एस नहीं ऐसे, हाँ ये अमीनो एसिड ये बीच में बॉन्ड, ये बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो ऐसे तो सीरीज बनती जाए, एक सीरीज से हो गई, दूसरी वाली सीरीज है एक और पेप्टाइड सेगमेंट है, पेप्टाइड चैन है, उन दोनों के बीच में भी तो बॉन्डिंग होगी ना, तो उस बॉन्डिंग को कहते हैं हम डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इट विल एग्जिस्ट बिटवीन टू पॉलीपेप्टाइड चैन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चैन ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, दो पॉलीपेप्टाइड चैन के बीच में। तो ये थी आपकी टर्स्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्स्टरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, और टर्स्टरी स्ट्रक्चर को ड्रॉ तो कर नहीं सकते हैं, ऐसा ही समझ लो आपका, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ऐसे समझो ये आपकी है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी में ऐसे ऐसे था ना, क्योंकि वो लपेटा खा के ऐसे ऐसे हो रहा था, इसी को दो में मिला दिया। टर्स्टरी में अब मैंने और ज़्यादा मिलाया तो ये ऐसे यूँ घुचुड़ और छोटा सा हो गया ना, छोटा हो गया स्ट्रक्चर। और क्वार्टनरी में तो ये बिल्कुल ही ऐसे यूँ घुचुड़ घुचुड़ बिल्कुल ही, इस तरह आप समझ सकते हो प्राइमरी है, प्राइमरी में और मिला तो सेकेंडरी, सेकेंडरी ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका टर्स्टरी के लिए, सेकेंडरी ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी टर्स्टरी के लिए, और क्वार्टनरी तो है ही, यानी कि क्वार्टनरी स्ट्रक्चर किसकी वजह से बन रही है, इनकी वजह से ये सारे मिक्सअप हो रहे हैं तब क्वार्टनरी हमारी स्ट्रक्चर आ रही है। तो ये लिख लीजिए पॉइंट टर्स्टरी स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट आ लीजिए अपना क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अपना फोर्थ। ठीक है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, अब देखते हैं अपना लास्ट क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है ये, सिंपल क्यों है, अब हमने जो हमारा मेन था प्राइमरी वो देख लिया हमने, प्राइमरी कॉम्प्लिकेटेड मतलब सबसे कॉम्प्लिकेटेड तो आपकी यही है क्योंकि इसमें उलझा पुलझा सब है, लेकिन आपने प्राइमरी देख लिया, ठीक है, सेकेंडरी देख लिया, टर्सरी देख लिया, इन तीनों को ही मिला के क्या बनाते हैं ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। पहले एक बार लिख लीजिए इसमें कि क्या होता है, इट इज़ लिमिटेड, यानी इट इज़ का मतलब क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, इट इज़ लिमिटेड टू, ये किसके लिए लिमिटेड है, कॉन्जुगेटेड और ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, अब ये ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, एक तो फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, आपने पढ़े होंगे। तो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो चैन की फॉर्म में होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं इस तरह से, यानी कि स्फेरिकल या सर्कुलर फॉर्म में, ये होते हैं आपके ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, इट इज़ लिमिटेड टू कॉन्जुगेटेड और ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, और आगे लिख सकते हो क्यों है ये ऐसे, इन ग्लोबुलर प्रोटीन इन ग्लोबुलर प्रोटीन देयर आर मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चैन्स आर प्रेजेंट,
चैन चैंस प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन में बहुत सारी चैन प्रेजेंट है, ठीक है। अब बहुत सारी चैन प्रेजेंट हैं तो पॉलीपेप्टाइड चैन है, तो वहाँ पे क्या होगा, इन ग्लोबुलर प्रोटीन देयर आर मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चैन प्रेजेंट, सो देयर विल बी अब आएगा आपका डाइसल्फाइड लिंकेज की बारी, देयर विल बी डाइसल्फाइड लिंकेज एग्जिस्ट, सो देयर विल बी डाइसल्फाइड लिंकेज एग्जिस्ट, तो वहाँ क्या होगा, डाइसल्फाइड लिंकेज एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्यों हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, आप यहाँ लिख सकते हो ये स्ट्रक्चर जो है क्या कंटेन करती है, दे हैव प्राइमरी सेकेंडरी एंड, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, दे हैव प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसमें क्या होगा, तीनों ही होंगे, दे हैव प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें तीनों ही आके मिल जाती हैं, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी और टर्सरी भी आके मिल जाएगी, ठीक है, और ये क्या करेंगे आपकी, सो ये क्या करेंगे आपस में, एंड इसमें या नहीं, दे हैव प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, अभी बताया ऊपर ही डाइसल्फाइड बॉन्ड टू कंप्लीट क्यों करते हैं ऐसा, टू कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, ध्यान से सुनिए, वैसे ही बहुत छोटी सी है इसकी, ये क्या होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन में ही वर्क करेगी, क्यों, क्योंकि इसमें स्फेरिकल शेप है, आपका ही कुछ स्फेरिकल सा ही दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होगी, सेकेंडरी भी होगी, टर्सरी भी होगी, क्वार्टनरी भी होगी, और ये आपस में कैसे जुड़ेंगी, अब ये स्ट्रक्चर यहाँ यहाँ से यहाँ ये कैसे जुड़ी, यहाँ से तो हमने बता दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी, यहाँ से भी हमने बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ गई, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड तो सब पूरे हो गए होंगे, तो इसमें क्या होगा, पेप्टाइड जो चेन्स हैं, अब पेप्टाइड चेन्स के बीच में आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो आपकी लिंकेज है, चैन है, उसके बीच में लिंकेज हो जाएगा बस डाइसल्फाइड बॉन्ड का, और डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के और छोटा कर हो जाएगा, और ये इसीलिए क्या हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया, तो अब आपका प्रोटीन हो गया कंप्लीट, और ये इसीलिए होता है डाइसल्फाइड लिंकेज, क्यों होता है, टू कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो ये थी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसे हमने चार लेवल में पढ़ा, ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है, हैव अ नाइस डे।